हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे पीपीसी भी कहते हैं। यह इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ कहा जाता है। अब ये क्या है? ये है वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाने का एक तरीका है। पहले इसका शेड्यूल समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये इसका शेड्यूल है, देखिए नीचे कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। पहला कॉम्बिनेशन ए है, आप बटर बनाएंगे 0 और आप अपनी सारी मशीनें गन्स बनाने में लगा देंगे तो आप गन्स बना रहे हैं 15। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आपने गन से अपनी मशीनें अटक के थोड़ी बटर में लगा दी तो बटर का प्रोडक्शन 1 हो गया, गन्स का प्रोडक्शन गिर के 14 हो गया। अब धीरे धीरे आप अपने जो मशीनें हैं उनको बटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट्स वाई गन्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, 15 से 14, 14 से 12 हो गया तो ये 2 हो गया, 12 से 9 हो गया तो ये 3 हो गया, 9 से 5 हो गया तो ये 4 हो गया, 5 से ये 0 हो गया तो ये 5 हो गया, सही है। तो इस तरीके से जब बटर 5 बनेगा तो गन्स 0 बनेगी और जब गन्स 15 बनेगी तो बटर 0 बनेगा। इस तरीके से वेरियस कॉम्बिनेशन देना कि हाँ भाई दो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं बटर और गन के, और इन दोनों गुड्स के अंदर क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके वेरियस कॉम्बिनेशन देना, इसी को अपन पीपीसी कर्व से इसमें देखेंगे। देखिए क्या हम ये देख रहे हैं कि जब बटर 0 था तो गन्स थी 15, ये 0, ये 15। फिर बी पॉसिबिलिटी ये हुई कि बटर 1 है तो गन्स 14 है, बटर 1 है तो गन्स 14 आ गई यहाँ। फिर बटर 12 है तो गन्स 2 हैं, जब बटर 9 है तो गन्स 3 हैं, जब बटर 5 है तो गन्स 4 हैं, और जब बटर 5 है तो गन्स 0 हैं, जब 4 है तो 5 था। तो इस तरीके से ये वेरियस कॉम्बिनेशंस आपने इस तरह से जोड़ दिए हैं और इसकी शेप जो है थोड़ी कॉनकेव है, जिसे अपन केव किसको, जैसे ये गुफा जैसा बन रहा है ये, है ना, तो इसको क्या कह रहे हैं, कॉनकेव कह रहे हैं। तो इस तरीके से पीपीसी क्या है, कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये वेरियस कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। ऑफ टू गुड्स, तो दो गुड्स हैं बटर एंड गन्स, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद फुल एंड एफिशिएंट यूज। हमको फुल यूज करना है, एफिशिएंट यूज करना है ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज गिवन है, एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जो भी हमें उस वक्त बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये सारे वर्ड उसमें यूज होने चाहिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, टू गुड्स, फुल एंड एफिशिएंट यूज एंड ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ओनली टू गुड्स आर टेकन, द टू गुड्स हैव बीन टेकन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग। हमने यहाँ दो गुड्स ली हैं। PPF is also known by the following name. इसके कुछ नेम और भी हैं जो कि अपन को ध्यान रखने हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। ये कुछ अदर नेम है जो अदर बुक्स में भी दे रखे हैं। कुछ assumptions हैं PPF के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption. नंबर 1, द अमाउंट ऑफ resources इन एन इकोनॉमी इज फिक्स बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। तभी तो हम मशीनें गन से उठा के कहाँ लगा रहे हैं, बटर में लगा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। हम केवल दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया है, बटर एंड गन का। द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशियंटली यूटिलाइज। हम इसको फुली यूज कर रहे हैं जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशियंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि गन जिन जो मशीनें बना रही थी या जो मजदूर बना रहे थे वो बटर उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ये मान के चला जा रहा है कि एट प्रेजेंट वो गन बना रहे हैं तो वो अपना बेस्ट तो गन में ही दे रहे हैं। अगर हम उनको शिफ्ट करेंगे बटर के अंदर तो प्रोडक्शन तो वो कर लेंगे लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। ये सब चीज़ें अपन को अजम्पशंस के तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। ये आपका शेड्यूल है और ये इसका चार्ट है। इसमें एक वर्ड आ रहा है MOC, है ना, और MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है, लॉस अपॉन गेन। जितना यहाँ लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ, 1 का, और गेन कितने का हुआ, 1 का। फिर लॉस हुआ यहाँ 2 का और गेन हुआ 1 का।
फिर यहाँ लॉस हुआ 3 का, फिर यहाँ लॉस हुआ 4 का, फिर यहाँ लॉस ऑफ 5। अब जरा लगातार देख रहे हैं आपका लॉस बढ़ता जा रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन। तो लॉस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है ना। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एमओसी या इंक्रीजिंग एमआरटी। जब भी इंक्रीजिंग एमओसी होगा ना, तब ये हमेशा कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव कब बनता है? जब इंक्रीजिंग एमओसी होता है। ये जब भी बढ़ रहा होगा ना लॉस आपका, तब हमेशा कॉनकेव बनेगा। ये बात याद रखने की, इस पूरे चैप्टर में हमेशा कॉनकेव ही बनेगा, क्योंकि आपका लॉस लगातार बढ़ेगा। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एट प्रेजेंट वो गन में अपना फुल एफिशिएंट यूज कर रहा है, अगर रिसोर्सेज को बटर में शिफ्ट किया जाएगा तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा इस थीम के कारण। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। देखो यहाँ एक कर्व दे रखा है, यहाँ क्लोथ है, यहाँ कार्स है, और हम क्लोथ का प्रोडक्शन करके कार का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। यहाँ हमेशा डिक्रीजिंग वाली चीज़ें आती है और यहाँ हमेशा इंक्रीजिंग वाली चीज़ें आती है, ये अपन को ध्यान रखना है। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ आर ऑन द पीपीसी, ये हमने देखा था। हैंस दे आर शो फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये देखो इस डायग्राम में हमने देखा था ए बी सी डी ई एफ, ये इस लाइन पे पॉइंट्स हैं, ये फुलर यूटिलाइजेशन के पॉइंट्स हैं, सही है। अब यहाँ एक डायग्राम दिया गया, उसमें दिया गया यहाँ पॉइंट के लिखा है, पॉइंट के लाइंग बिलो द पीपीसी, ये पीपीसी के अंदर है। इट शो इनएफिशिएंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आप यहाँ फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे थे। अगर आप इसके नीचे करेंगे, इसके अंदर करेंगे, तो इसका मतलब आप फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट के अंडर यूटिलाइजेशन का पॉइंट है, और पॉइंट आर जो कि यहाँ है, जो कि पीपीसी कर्व के बाहर है, तो लिखा अब ये अनअटेनेबल पॉइंट है, क्योंकि फुलर यूज करके आप यहां तक पहुंचे हैं, इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते ना। फुलर तो यहां यूज करी, तो फुल से ज्यादा कैसे जाओगे। इसलिए पॉइंट आर के लिए यहां लिखा है अनअटेनेबल एट द गिवन रिसोर्सेज, कि गिवन रिसोर्सेज तो से तो हम इसको अटेन कर नहीं सकते। हाँ, अब अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो बात अलग है, अदरवाइज गिवन रिसोर्सेज से तो हम इसको अटेन नहीं कर सकते, ये अनअटेनेबल है। अब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? तो जो ए बी सी डी ई एफ है, जो कि पीपीएफ के ऊपर अपने लास्ट पेज पे पढ़े थे, वो सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जब आप रिसोर्सेज का फुली यूज करते हैं, तब आप इन पॉइंट्स को गेट कर सकते हैं, ऐसा हमने इस पेज पे पढ़ा था। इसके अंदर आप कहीं भी काम करेंगे तो वो अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा, इसके बाहर आप कहीं भी काम करेंगे तो वो अनअटेनेबल कहलाएगा, सही है। आगे इसमें लिखा है इनएफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर आप पॉइंट के पे काम कर रहे हैं तो आप इनएफिशियंट हैं, आप अपने रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। और देन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो है जो पीपीसी कर्व के बाहर है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन ए बैंक एट ए सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, यानी आज की डेट में आप 40,000 पर मंथ पे काम कर रहे हैं। फर्दर आपके पास दो ऑप्शन और हैं, कि आप एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे 30,000 पर मंथ गेट कर सकते हैं, या एक जर्नलिस्ट के तौर पर 35,000 पर मंथ भी गेट कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ 40 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस आप यहीं काम कर रहे होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि एट प्रेजेंट आप अपना एफिशिएंट और बेस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 40 की जॉब आपकी छूट जाए या आप छोड़ दें, तो आप किस पे जाएंगे, 30 पे या 35 पे? तो डेफिनेटली आप 35 पे जाएंगे, क्योंकि बेस्ट तो ये है। तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? 35। तो 35 की जो कॉस्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्या? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो 40 के बाद नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? 35। तो ये आपकी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि 40 की जगह पे काम करने के लिए आपको 35 वाली जगह छोड़नी पड़ेगी, यानी आप वहाँ काम नहीं कर सकते अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ काम करने के लिए आपको ये 35 वाली जगह सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसीलिए लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो नेक्स्ट बेस्ट था वो आपने छोड़ दिया, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहाँ लिखा भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आप अटेन कर रहे हैं, इन टर्म ऑफ द लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी, लॉस कर रहे हैं ये 35 वाली। तो जो नेक्स्ट बेस्ट आप लॉस कर रहे हैं ना, वही आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
इसको अपन MOC, MRT इन सब के नाम से पढ़ेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फार्मूला वही है, लॉस अपॉन गेन, यानी लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। ये फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में आपके कई जगह काम आएगा, इसलिए याद कर लें, लॉस अपॉन गेन है ना, या फिर सेक्रीफाइस अपॉन गेन। भाई लॉस और सेक्रीफाइस एक ही बात है और गेन तो एक बात है ही, तो इन दोनों फॉर्मूले को इन तरीकों से लिखा जा सकता है। इसको अपन नेक्स्ट पेज पे गिवन चार्ट से समझते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज दी हैं, गन दे रखा है, बटर दे रखा है। जैसे जैसे आप गन का प्रोडक्शन कम करेंगे और मशीन और लेबर को बटर में लगाएंगे तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। तो MOC लगातार बढ़ेगी, यानी आपका लॉस लगातार बढ़ेगा। पहले आपको एक यूनिट का लॉस हो रहा था, फिर आपको दो का हुआ, 18 से 15 तीन का हुआ, 15 to 11 4 का हुआ, 11 to 6 5 का हुआ, इस 6 to 0 6 का हुआ। आपका लॉस लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग MOC है, सही है ना। तो ये इंक्रीजिंग MOC है, इसीलिए क्या बनता है, कॉनकेव बनता है। और हम पिछले चार्ट में भी ये बात देख कर आए हैं, जो पेज नंबर 6 पर अपन ने टेबल देखी थी, पेज नंबर 6 के ऊपर, उस हम देख रहे थे हमारा MOC लगातार बढ़ रहा था, हमारा MOC लगातार बढ़ रहा था, इसी कारण से हमारा जो चार्ट बना था वो कॉनकेव बना था। इस चार्ट के बाद अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। कहता है स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम देख रहे हैं हमारा चार्ट जो है स्लोपी है और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, सही है। फिर लिखा है अ PPC इज ए कॉनकेव टू द ओरिजिन। ऑब्वियस है ये केव जैसी शेप बना रहा है, क्यों बना रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC। आपकी MOC लगातार बढ़ रही है इसीलिए कॉनकेव है, सही है। अब जो पॉइंट आ रहा है दैट इज अ चेंज इन PPC। PPC में कब चेंज आ सकता है, अब PPC रोटेट एंड शिफ्टेड ड्यू टू टू रीजन। दो रीजंस होते हैं, पहला चेंज इन रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज ही नए पता लग जाएं, कहीं पेट्रोलियम की खोज हो गई, कहीं नई माइंस वगैरह पता लग गई, तो हो सकता है आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएं, और हो सकता है किसी कारण से भूकंप आने के कारण आपके रिसोर्सेज कम भी हो जाएं। तो चेंज इन रिसोर्सेज से होता है, उसके कुछ एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट आपके पास आ जाएं, उससे आपके रिसोर्सेज बढ़ गए। इंक्रीज इन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ, हो सकता है स्किल्ड लेबर बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। और डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, नई माइंस का पता लग जाए, तो रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हो सकता है नई टेक्नोलॉजी आ जाए या प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाए, बेकार हो जाए, तो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर एक्स के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, या इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। जब भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड होती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बोथ, दोनों में चेंज आ जाए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रिसोर्सेज, चेंज इन PPC ड्यू टू रिसोर्सेज, इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज कब होगी, जब ये जीरो है, जीरो से ये दूर जाएगी, जीरो से दूर जाएगी, यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इसलिए यहाँ लिखा है राइटवर्ड शिफ्ट इन PPF, सही है। जो रिसोर्सेज आपके बढ़ गए हैं जिसके कारण से आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, और ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, सही है। जीरो से ये दूर जा रहा है, बस राइटवर्ड शिफ्ट हमेशा जीरो से दूर जा रहा है। आप जीरो से दूर जा रहे हो यानी आप इंक्रीज हो रहे हो, और जीरो के अगर आप पास आ रहे हो तो डिक्रीज हो। जैसे नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है डिक्रीज, लेफ्ट पार्ट शिफ्ट, अब आप जीरो के नज़दीक आ रहे हो तो ये लेफ्ट पार्ट शिफ्ट कहलाता है, और ये आपकी जो टेक्नोलॉजिकल जो डिग्रेड हो गया या ऑब्सोल्यूट हो गया, उस कारण से आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, दैट्स वाई आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आप लेफ्ट पार्ट शिफ्ट हो जाएंगे। आगे आया है चेंज इन PPC ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए, जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए, अगर एक्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और अगर रिडक्शन हो जाए टेक्नोलॉजी में, ऑब्सोल्यूट हो जाए, डिग्रेड हो जाए, तो लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। तो इसमें केवल एक्स का चेंज हो रहा है, देख रहे हो यहाँ वाई का कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल एक्स में चेंज हो रहा है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑब्सोलेसेंस ऑफ वाई, कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर जाए तो राइट कर जाएगा, और अगर ऑब्सोल्यूट हो जाए तो लेफ्ट पार्ट भी कर सकता है, इसमें एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अभी मैंने केवल एक एक का बताया है, दोनों का भी हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट फॉर बोथ एक्स एंड वाई राइटवर्ड शिफ्ट, दोनों में ही इम्प्रूवमेंट हो जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सही है। एक्स का भी इम्प्रूव हो गया, वाई का भी इम्प्रूव हो गया, तो पूरा का पूरा PPC कर भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
बीच में एक छोटी सी डेफिनेशन है इकोनॉमिक एजेंट की. इकोनॉमिक एजेंट कौन है? जो भी पर्सन जो है अपने स्केयर रिसोर्सेज फुलफिलिंग करता है अबाउट स्केयर रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर मोटिव. अपने मोटिव को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता है, वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाता है. जैसे कंज्यूमर चाहता है मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो अपने स्केयर रिसोर्सेज का यूज़ करता है. एक प्रोड्यूसर चाहता है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और गवर्नमेंट चाहती है मुझे हमें मैक्सिमम वेलफेयर मिले पब्लिक का. तो ये सभी इकोनॉमिक क्या है? एजेंट है. सही है, आगे चलते हैं. लिखा है कैन PPF बी ए स्ट्रेट लाइन? क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? ये स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है जब MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट हो, जबकि हम जानते हैं तो इंक्रीजिंग होती है. दैट्स वाई ये कभी कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकती, इसीलिए PPC कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. आगे चलते हैं. कैन PPF बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? क्या PPF कॉन्वेक्स हो सकता है? ये तब हो सकता है जब डिक्रीजिंग MOC हो, लेकिन हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमेशा MOC जो है वो इंक्रीजिंग होती है, वो डिक्रीजिंग कभी नहीं हो सकती. यहाँ लिखा है MRT अगर तब हो सकता है जब MRT डिक्रीजिंग हो. दैट्स वाई ये MRT डिक्रीजिंग कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि MRT हमेशा इंक्रीजेज है, इसीलिए ये कभी भी कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ये हमेशा कॉनकेव ही होता है. ठीक है, तो ना तो PPC कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है और ना ही PPC कर्व कॉन्वेक्स हो सकता है, वो हमेशा कॉनकेव ही रहेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC. अब ओवरव्यू ऑफ PPF या PPC बता दूं. PPF स्लोप डाउनवर्ड, PPF हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये कॉनकेव होता है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर, अपन गन और बटर का एग्जांपल देख सकते हैं. इफ द इकोनॉमी ऑपरेट ऑन PPF लाइक, अगर ये ABCDEF पॉइंट पे काम कर रही है तो फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है. अपन ने देखा भी था अपने पेज नंबर 6 पर किस तरीके का अपन फुली यूटिलाइज कर रहे हैं. फिर आपका आया इफ द इकोनॉमी ऑपरेट एट पॉइंट इनसाइड PPF पॉइंट K पर, तो वो इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. अगर अदर अंदर आ जाए किसी पॉइंट के ऊपर तो फिर वो इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ आ जाए. अगर इसके बाहर चले जाए तो वो अनअटेनेबल पॉइंट होता है, ये भी अपन ने पढ़ा था. एन आउटवर्ड शिफ्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द कम्योडिटी विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर. जो पहले तो रिसोर्स इतने थे नहीं लेकिन अब बढ़ गए हैं, इसलिए वो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. इनवर्ड शिफ्ट वो तब होता है जब आपकी कैपेसिटी कम हो जाए, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर वो इनवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है. कहता है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहा जाता है? तो देखो, एक गुड्स से आप अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हो दूसरी गुड्स के अंदर, तो आपकी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है. पहले वो गन्स बना रही थी, अब वो बटर बना रही है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है कि पहले आप दूसरी चीज़ें बना रहे थे, अब आपकी इकोनॉमी दूसरी गुड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है. तो इस तरीके से पेज नंबर 10 तक अपन ने टॉपिक किया है. तो इस वाले टॉपिक को एक दो रीडिंग कर लें, इससे आपको इस चीज़ में और अच्छा परफेक्शन आ जाएगा. ओके, थैंक यू.